सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आज फिर अपन ऑनलाइन आना पड़ा, क्योंकि यही एक जरिया है आप लोगों से बात करने का, या जो अपन मिशन लेके चल रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में डिस्कस करने का यही एक तरीका शेष बचा है। तो आज अपन बात करेंगे कोरोना प्लस स्कूल्स के बारे में या पढ़ाई के बारे में। तो आज से 3 महीने पहले तकरीबन जो ये कोरोना की जो समस्या आई, इसको समझने में भी काफ़ी टाइम लग गया। आज कुछ स्थितियाँ कुछ अलग हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई कि हमारे दिमाग में कोरोना घर कर गया। मतलब बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो एक सारों के एक ही प्रॉब्लम की ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं हुआ, इसमें लॉकडाउन कोरोना लॉकडाउन कोरोना। तो इतनी बड़ी समस्या तो ये नहीं है कि हमारे हर काम में बाधा बन जाए कोरोना। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कोरोना पीरियड के दौरान भी अगर कोरोना प्रॉब्लम है या लॉकडाउन है, उसके अंदर भी हम बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं घर बैठे भी। तो इसके लिए पहले अपन ने ऑनलाइन स्टडी के बारे में बात किया था कि ऑनलाइन अगर बच्चा पढ़ता है तो कहाँ दिक्कत है उसको पढ़ने में, घर जैसा ही वो काम मिल रहा है उसको, वीडियो मिल रहे हैं, उसके वर्ड मीनिंग मिल रहे हैं, उसको क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, उसके टेस्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। और उसके लिए अपन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मोबाइल वगैरह बच्चों से पेरेंट्स से मंगवाए और उन बच्चों के हाथ में दिए वो मोबाइल, ताकि उससे वो पढ़ें और अपनी स्टडी जारी रखें। तो इस समस्या हम तो ये सोच रहे थे, तकरीबन स्कूल सोच रहे होंगे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, या हम सोच रहे थे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे तो कोरोना से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस स्टडी पे। मगर जब 10-15 दिन से हम जा रहे हैं, या 10-15 दिन से हम तह में जा रहे हैं बच्चों के, हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि बच्चे टेस्ट जब ले रहे हैं बच्चों के, तो पता लगे कि ये नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। तो बच्चों के घर जा रहे हैं, और घर जा रहे हैं तब हमें पता लगे कि उसका जो निष्कर्ष निकला है वो बड़ा ही खतरनाक निकला है। दोस्तों, ये जो कोरोना की प्रॉब्लम है, इससे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है, या मैं जिस निष्कर्ष पे निकला हूँ, और वो सच्चाई भी है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता कोई बात, वो सच्चाई भी है कि ये जो मोबाइल है वो कोरोना से खतरनाक है। क्यों खतरनाक है कि कुछ बच्चे जो टेस्ट में नंबर नहीं ला रहे थे, उनके जा कर के हमने देखा, बच्चे के मोबाइल चेक किया, तो उसके अंदर पहली बात तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो चैटिंग कर रहे हैं, साइट्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जो हम चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ वो उसने खोल के ही नहीं देखी है, तो उसको याद कहाँ से होगा, वो टेस्ट कैसे देगा। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ये तो इससे जो मेंटलिटी बच्चों की, जो 8-10 साल से जिस बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं, वो जो तैयार किया हुआ बच्चे की मेंटलिटी अगर चेंज होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो नहीं पढ़ता है 3 महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बुक से थोड़ा बहुत भी पढ़ता है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर वो गेम खेलता है सारे दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके बच्चे के ऊपर, उस बच्चे को हम फिर से पिकअप कर सकते हैं, फिर से पढ़ा सकते हैं। अगर 6 महीने भी हमें मिल गए स्कूल के अंदर तो हम उसको पढ़ा सकते हैं, उसको वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। मगर दोस्तों, अगर मोबाइल से उसका दिमाग चेंज हो गया, उसके अंदर कुछ और घुस गया, तो उसको डिलीट करना बड़ा टिपिकल काम हो जाएगा, और फिर वो बच्चा वापस ट्रैक पे नहीं आएगा, उसको फिर मोबाइल चाहिए ही चाहिए। तो जो 10 दिन में देखे हैं वो सारी बातें तो हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर निष्कर्ष ये निकलता है कि इस मोबाइल को घर से, अपने घर से ही डिलीट कर दो, चाहे जला दो, चाहे उसको फोड़ दो। ये कहीं किसी, ये नहीं कहता कि ये काम की चीज़ नहीं है, इससे मेरे जो एक बच्चे NDA किया है, उस बच्चे ने SS भी इसी मोबाइल से क्लियर किया है, और बहुत कुछ बच्चे बहुत
से बच्चे पढ़ भी सकते हैं और इसमें मैटर भी बहुत अच्छा है, मगर जो मैंने देखा है, जो मैंने स्टडी किया, जिन बच्चों पे हमने काम किया है और उसको तह में गए हैं, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि 95% बच्चे इससे ख़राब हो रहे हैं, 5% बच्चों के ही इस ऑनलाइन स्टडी से फ़ायदा हो रहा है, और यही सच्चाई है। और जो ये गेम खेल रहे हैं, जो पबजी खेल रहे हैं या कुछ और गेम डाउनलोड कर रखे हैं, इससे उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है। और ये मानसिक चेंज वाले बच्चे हमने देखे हैं, जो बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा करता था, एक नंबर नहीं कटने देता था, वो भी 8-8, 10-10, 15-15 घंटे मोबाइल चला रहे हैं और गेम खेल रहे हैं, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। और हम तो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बच्चे को कुछ देना भी है ना, तो अपने साथ बैठ करके उसको दिखाओ, उसके हाथ में ये मोबाइल मत पकड़ाओ, ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक ये वायरस है, और ये घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए। अगर कुछ दिखाना ही है बच्चे को, हाँ हो सकता है 11-12 के बच्चे या 11-12 के बाद जो कॉलेज वाले बच्चे कुछ हासिल कर पाएँ इस मोबाइल से, तो मैं नहीं कह सकता, इसके अलावा कोई भी बच्चे को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ऑनलाइन स्टडी हम आज के बाद में बंद करेंगे, चाहे बच्चा हमारा पढ़े चाहे ना पढ़े, कम पढ़े ज़्यादा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात देखो, पहली बार हमने आपको हमारे बच्चे सौंपे हैं, पहली बार, बाकी तो स्कूल में ही करवा देते थे हम और स्कूल में करते थे। मैं जब स्कूल स्टार्ट किया था तब मैंने पेरेंट्स मीटिंग बार बार पेरेंट्स मीटिंग करी, मगर पेरेंट्स मीटिंग में किसी भी राजगढ़ के किसी भी स्कूल में 10 से 15 आदमियों से ज़्यादा बच्चे पेरेंट्स नहीं इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब अवेयर नहीं है। और दूसरा है ये पेरेंट्स के लिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि इस प्राइवेट स्कूल को जो कोई गाली देता है ना, तो प्राइवेट स्कूल की वजह से ही बच्चे पढ़ते हैं, नहीं तो आज आपको दो दो बच्चे हैं आपके, हमारे पास 1000 बच्चे हैं, हम 1000 बच्चों की जवाबदारी के साथ अपना टास्क पूरा कर सकते हैं और करते हैं और तैयार किए हैं, जॉब पकड़े हैं, नेशनल में मेडल लाए हैं, NDA, एयरफोर्स, नेवी में बच्चे निकले हैं, और वो हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि वो हमने निकाले। आपका रोल बहुत कम है, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, उनके पास टाइम भी है, उनके पास टाइम भी है, फिर भी वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि आज हमें रोना आ रहा है उन बच्चों को देख करके जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, और आज वो उन्होंने काम तक नहीं कर रखा, लर्न तक नहीं कर रखा, इसका मतलब स्कूल ही पढ़ाता था, पेरेंट्स के भरोसे छोड़ा, और पेरेंट्स के भरोसे छोड़ने पे ये हमारे को रिजल्ट मिल रहे हैं, नतीजा मिल रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। आपका सिर्फ अकेला बच्चा है या दो बच्चे हैं, बच्चों के अलावा आपके पास क्या है? यही सबसे बड़ी खेती है, सबसे बड़ा बिजनेस है, और इसको आप घर बैठ करके आधा घंटा, दो घंटा, तीन घंटा बच्चे को नहीं दे सकते। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं फिर भी नहीं देते, तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी? मोबाइल भी देना है तो मोबाइल आप पास में बैठ करके आपको बच्चे को काम करवा सकते हो, उनको फ्री दे दिया, वो ट्रैक छोड़ गए, आज उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, वो अंधकार में भविष्य हो गया उनका। या फिर आप खेलने के लिए ले जाओ, ग्राउंड पर ले जाओ, खेत में ले जाओ, छत के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, रूम के अंदर प्रैक्टिस कर लो, योगा कर लो, बुक पढ़ लो, बहुत सारी चीज़ें जो करवाई जा सकती है लॉकडाउन में या कोरोना पीरियड में, मगर बहुत कम पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस तरफ ध्यान दिया हो। या हाँ, हर चीज़ के लिए बहाना लॉकडाउन में, कोरोना सर की कोरोना वाली प्रॉब्लम हो गई है, हर किसी पेरेंट्स को बोलो तो वो कोरोना का रोने लग जाता है। रोने की क्या जरूरत है? आप घर बैठ करके भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, कुछ तो पढ़ाया ही जा सकता है, ऐसे क्या है कि हाँ 100 का 100 नहीं पढ़ाया जा सकता, इंग्लिश मीडियम का आपका पता नहीं है या कुछ और दिक्कतें आ रही है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। अब स्कूल नहीं खुलेंगे 6 महीने तो क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे या आप कुछ नहीं करोगे? जितना बन पड़ता है उतना करने की कोशिश करो, और कुछ भी नहीं बन पड़ता है तो कम से कम उसको खिलाओ, मगर मोबाइल मत दो। हम कल से मेरे पूरे स्टाफ को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी ऑनलाइन पढ़ाई बंद करो, इससे जो फ़ायदा होगा 5% बच्चों के, तो 95% बच्चों के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा खेल मानसिकता का है दोस्तों। जिस बच्चे ने ठान लिया, जिसने टारगेट मिल गया, जिसके दिमाग में अच्छा चल रहा है, जो 1 लाख रुपए कमाने की इच्छा रखता है या सोचता है वो 1 लाख कमाने लग जाता है, जो 5000 की सोचता है वो 5000 की, जो IAS बनने की सोचता है वो IAS बन जाता है, और अगर कुछ मोबाइल से कुछ अलग सोचने लग गया या अलग दिमाग में कुछ बातें चलने लगी तो वो वैसा ही बनेगा दोस्तों। इसलिए मैं सभी टीचर्स को ये मेरी
स्टडी है ये 15-20 दिन का जो मैंने बच्चों को देखे हैं कि या तो उनके ऊपर पूरा केयर करो, केयर हम घर जा कर के नहीं कर सकते, और पेरेंट्स भी शायद क्योंकि एक दो बच्चों को जो एक दो बच्चे हैं उनके और उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे, तो एट ए टाइम मोबाइल उनको देना पड़ेगा और वो बच्चे कुछ और देखेंगे, कुछ और करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है भैया, आगे आने वाले समय में हम संस्था को और ऊपर लेके जाएं, ये बच्चों की स्टडी से ही संभव है, और वो अगर ठीक से नहीं हुई या उनकी मानसिकता ठीक नहीं रही तो हम चाहते हुए भी उनको बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक तो ये कि भाई इनकी ऑनलाइन क्लासें बंद हो करेंगे, जो जिस पेरेंट्स के पास बुक नहीं है बुक लेके जाओ, बाज़ार से बुक खरीद लो और उन बच्चों को दो, और अगर बुक नहीं पढ़ते तो कुछ अच्छी बुक खरीद करके बाज़ार में उनको दे दो, नहीं तो गेम सुबह शाम दोनों टाइम करवा दो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा तो वो उसको आगे आने वाले समय में जो अगर शरीर स्वस्थ है तो दिमाग इसका ही एक हिस्सा है शरीर का, वो भी स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ दिमाग होगा तो बच्चा आगे जा करके प्रोग्रेस करेगा। वो 6 महीने का पीरियड तो हमें ज़रूर मिलेगा इस अगली क्लास के लिए, और उस 6 महीने के पीरियड में हम उन बच्चों को अच्छे से करवा देंगे। और जो पेरेंट्स जागरूक हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, इस कोरोना का कोई बहाना नहीं है, ये तो अच्छा मौका है कि हमें घर रहने का मौका मिल रहा है, अपने बच्चों को कुछ देने का मौका मिला है और बच्चों को कुछ नई नई चीज़ें सिखाने का मौका मिला है, तो वो पेरेंट्स तो सिखा सकते हैं, जो नहीं सिखा सकते वो कम से कम इन बच्चों को गेम करवाओ और दोनों टाइम अपने खेल ग्राउंड पर लेके जाओ और उनको तैयारी करो। दूसरा जो अभी फ़िलहाल स्कूलों में चल रहा है कि फीस का मैटर चल रहा है, या ये फेसबुक पर व्हाट्सएप पर मैं पढ़ता हूँ, हालांकि मेरे पेरेंट्स आज तक मेरे को कभी किसी ने आकर के तेज़ आवाज़ में बात नहीं की है, और हमारा कोऑपरेशन बहुत गजब का चल रहा है, मेरे को सहयोग इतना मिला है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इस कोरोना पीरियड में भी मेरे को इतना सहयोग मिला है जिसकी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं होगा। ऐसे पेरेंट्स भी बहुत हैं, मगर कुछ पेरेंट्स जो अभी चल रहे हैं कि भाई फीस बिना मतलब ले रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल ठग रहे हैं, या प्राइवेट स्कूलों में ये मतलब पैसे कमा रहे हैं, तो सारे प्राइवेट स्कूल इस तरह के नहीं हैं, और राजगढ़ में तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई फीस ले रहा हो, और जितनी ले रहे हैं ये सारा स्कूल है क्या? स्कूल तो एक सिस्टम है सारे मिल करके, इस प्राइवेट स्कूल में तो ये होता है पेरेंट्स और बच्चे मिल करके स्कूल को चलाते हैं, उसमें सहयोग करते हैं टीचर्स, और उनको मानदेय मिलता है, और मानदेय भी कितना मिलता है, कोई करोड़ों रुपए थोड़ी मिलता है उनको। उनको आगे एक कोरोना पीरियड में एक हमें मौका मिला है मदद करने का, एक दूसरे की मदद करने का एक मौका मिला है, और इसको हम ठीक से इस पीरियड को निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अगर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्कूल नहीं चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम जीरो पे आ जाएंगे, हम जीरो से वापस खड़े हो जाएंगे, जीरो से फिर स्टार्ट कर देंगे। तो किसी कोई किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ रहा फिर पढ़ लेगा, कहाँ दिक्कत है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पैसे फिर अपन कमा लेंगे, तो इसमें बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर्स को। देखो पेट हम भरेंगे, और आज के टाइम पेट भरने की समस्या नहीं है किसी को भी, और मैं तो इस हमेशा ही ये सोचता हूँ, स्कूल क्या तब भी यही सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खेल के तो देख लें, और अब भी ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीरो से स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं नेगेटिविटी नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, मस्त रहना है, हंसते हुए रहना है, चाहे हमें भगवान कैसी भी परिस्थितियां दे दे, हमें हंसने से रोक नहीं सकता, और आज भी हंसने से नहीं रोक सकता, नहीं रोक पाएगा कोई भी आदमी। तो अपने मस्त रहो, और कुछ जितना बन पड़ता है अपने से, बहाना मत बनाओ कोरोना का या लॉकडाउन पीरियड का, हम क्या कर सकते हैं कितना कर सकते हैं वो करने की कोशिश करो। वो कोशिश करोगे तो ये नेगेटिव विचार आपके आएंगे नहीं कि ये कोरोना पीरियड तो है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम ग्रुप में नहीं जा सकते, हम घर पे रह करके तो बहुत कुछ कर सकते हैं, घर पे हम पढ़ाई कर सकते हैं, घर पे हम नई नई बुक पढ़ सकते हैं, घर पे हम गेम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो घर पे बैठ करके भी हम कर सकते हैं, और आज तो बाहर जाने की भी दिक्कत नहीं है। दूसरा जो कोरोना है
ये बीमारी हमें तो समझ आ गई, आप लोगों को भी इतने दिन हो गए समझ आ गई होगी कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको ये कोरोना कुछ नहीं कर सकता। 5-6 दिन गले में जो रहता है उसके जो वायरस, वो उसको वो अगर हम गर्म पानी पीते हैं, हम अगर काढ़ा लेते हैं, हम दालचीनी लेते हैं, इलायची लेते हैं, ग्वार पट्टा लेते हैं, जो ये जो गिलोय बेल लेते हैं या और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इन आयुर्वेदिक जो औषधियों का सेवन करते हैं, लगातार करते हैं, लगातार अगर करते हैं तो फिर ये कोरोना नहीं हो सकता। ये साबित हो गया है कि जिस जवान आदमी के नहीं होता, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसके नहीं हो सकता, और होगा तो ठीक हो जाएगा। बहुत से सैंपल लिए हैं जिनमें पहले कोरोना हो भी गया, उनके ठीक भी हो गया, उनको पता भी नहीं लगा। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो काम हमें करना है वो करो। कितने लोग करते हैं आज, मैं अगर किसी से पूछूं तो आप कितने लोग करते हो कि हमें पता है कि कोरोना काढ़ा अगर लेगा तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और ये कोरोना हमें कुछ भी नहीं कर सकता, मगर लेते कितने हैं, ले कौन रहे हैं, कितने दिन से कौन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा, नहीं ले रहा फिर तो रोएंगे और फिर ये कोरोना होगा भी और मरेंगे भी। मेरे को 1.5 महीने हो गए लगातार हम ग्वार पट्टा और गिलोय का इस्तेमाल करते हुए, दालचीनी बड़ी इलायची का एक दिन काढ़ा लेते हुए। तो ये चीज़ें जो पता है कि हमें क्या कर, अब पता है हमें स्कूल नहीं लग रहा तो हमें क्या करना है वो करना चाहिए ना। पता है हमें कोरोना प्रॉब्लम है और इसका समाधान ये है और ये ऐसे नहीं होता, तो फिर वो करो ना। करते हैं नहीं कुछ और फिर बहाना ये कोरोना। अगर और नहीं तो एक बच्चे के पास मैं गया, वो बच्चा बोल रहा है कि सर मैं काम क्यों नहीं किया बेटा, बुक क्यों नहीं लेके आया। बोले लॉकडाउन था सर, बुक तो इसलिए नहीं लेके आया। मैं बोले बेटा लॉकडाउन में तो बुक तो कहीं से ला ही सकते थे आप। बोला नहीं, वो पापा ने बोल दिया कि लॉकडाउन है। पापा को पूछा, मैं बोले लॉकडाउन तो है मैंने बुक तो ले सकते थे। बोले बुक तो सर दिक्कत ये थी ना, वो लॉकडाउन था और कोरोना वाली प्रॉब्लम थी, अब क्यों नहीं ला रहे सर, ये लोग कोरोना है तब तक दिक्कत है। वो बार बार लॉकडाउन कोरोना हर बात जो मैं पूछ रहा हूँ उसका हर जवाब वो यही दे रहे हैं, लॉकडाउन कोरोना। अरे ऐसे क्या लॉकडाउन कोरोना है यार, आप पढ़ा सकते हो, आप बिठा सकते हो, आप किताब पढ़ने में कहाँ दिक्कत है, किताब लाने में क्या दिक्कत है, पुरानी किताब ले लो, किताबें मैटर सेम ही रहता है पिछली क्लास का, कहीं से भी लाया जा सकता है और आज तो सारे मार्केट खुले हैं। तो इसका बहाना ज़्यादा हो रहा है कोरोना का और लॉकडाउन का, तो ये बहाना नहीं होना चाहिए और हमें क्या करना है वो करना चाहिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है हम बाहर जाएं, ज़रूरी नहीं है लोगों के साथ गले मिलें, ज़रूरी नहीं है कि हम भीड़ में जाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटें, बाज़ार के चक्कर काटें, ये ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी नहीं है वो करना क्या ज़रूरी है, हमें हम नहीं करेंगे और बाकी हम आराम से अपनी लाइफ स्टाइल जियेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोरोना हो भी जाएगा तो हमें ठीक हो जाएगा, और मर भी गए तो कौन सी, अब उससे डर करके हम क्या अंदर पैक थोड़ी रहेंगे। हम अपना पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद हो गया तो हो गया भी, उसके बाद तो कोई बीमारी भी हो सकती है, हम मर भी सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। नेगेटिविटीज नहीं लेके आना है और अपना काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा, इसके बाद में जो खेल है उसके कुछ लोग बोलते हैं कि गेम से ये होता है वो होता है, मैंने साबित किया है। नेशनल प्लेयर पिछली बार 3 थे मेरे पास, 81, 81, 85% नंबर आए हैं, तो वो नेशनल प्लेयर थे जो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम प्रैक्टिस करते हैं। तो उन बच्चों के जो नेशनल प्लेयर हैं उनके फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो खेल हर साइड से ठीक है। पहली बात शरीर ठीक रहता है, भूख ठीक लगती है, मोबाइल सोबाइल के चक्कर में नहीं पड़ेगा, दूसरी बात खाना ठीक से खाने लगेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, टाइम पास अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात कि खेलने में आनंद आता है। और आज सबका मकसद, आपका मकसद, मेरा मकसद, बच्चों का मकसद, सबका मकसद एक ही है कि हमारा जो आज का दिन है वो बड़ी मस्ती के साथ जाना चाहिए, हम मज़े लें लाइफ के, ज़िंदगी के एक एक दिन का, एक एक पल के मज़े लें, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। और आज बहुत से लोगों को पता लग गया कि पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो खुश रहता है उसके हज़ारों बीमारियाँ, हज़ारों वायरस अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं शरीर के अंदर आने से। तो खुश रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी के मज़े लें और काम करें, जो हमारा काम है ना। बच्चों को भी ये बताओ, अपना काम आपको करना पड़ेगा। आप बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं या अपना वो अपना काम नहीं करते, पेरेंट्स उनके ऊपर उस काम के लिए दबाव नहीं देते कि आपका काम आपको करना पड़ेगा, मेरा काम मैं करूँगा।
आपका जो काम है, आपका टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फालतू की चीज़ें मिल रही है बच्चों को, जो इसको जरूरत नहीं है वो चीज़ उसको मिल रही है, इस वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। या फिर उनको छूट मिल रही है, हर चीज़ में छूट नहीं मिलनी चाहिए किसी भी आदमी को, मेरे को भी नहीं मिलनी चाहिए। आप मेरे से आकर के जवाब मांगो, मेरी जवाबदारियों का पता लगे, और मेरी जवाबदारियों को बताओ आपकी ये जवाबदारी है, और टीचर्स को अपनी जवाबदारी बताओ, पेरेंट्स की भी अपनी जवाबदारी पूरी करनी चाहिए। वो मैं तो बता देता हूँ, चाहे उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं तो बोल देता हूँ कि आपकी कमी है बॉस, और इस आपकी कमी को आपको दूर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता दोस्तों कि मैं तो 12 बजे तक आऊँ घर में और मेरा बच्चा 8 बजे पहुँच जाए, उससे ये बोलूँ मैं तो सारे दिन मोबाइल चलाऊँ। ऐसे देखे मैंने चार चार पाँच पाँच मोबाइल एक घर में, अरे क्या जरूरत है पाँच पाँच इस डब्बों की, कहाँ जरूरत है, कहाँ क्या इतनी जरूरत की चीज़ है ये, जो चार एक घर में चार मोबाइल रखने पड़े एंड्रॉयड, जरूरत नहीं है। मेरे घर में एक है, और वो भी इसलिए कि उनसे हमारे बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं, इसलिए, नहीं तो हम नहीं रखें। मेरे घर में टीवी नहीं है, तो ये जरूरत की चीज़ें ही नहीं है। आनंद कहाँ है खेलने में, आनंद कहाँ है खाने में, आनंद कहाँ है पढ़ने में। तो वो चीज़ें बच्चों से अगर दिनचर्या बच्चे की बना दी, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट जॉब से, कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट जॉब से। उसकी मेंटेलिटी भी ठीक रहेगी, ये मोबाइल ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें, और इसके अलावा भी बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हैं, और हम उन बच्चों के साथ पंगा ले रहे हैं। पंगा क्या ले रहे हैं, वो मोटरसाइकिल लेके आएगा हम नहीं लाने देंगे, वो फालतू में पैसे लेके आएगा हम नहीं लाने देंगे। तो ये चीज़ें देते ही क्यों, पहले बच्चे को बाहर छोड़ते थे और उसको ठोकरें खाने देते थे, जितनी ठोकर खाएगा उतना ही निखरेगा, ये फंडा है मेरा और ये बिल्कुल कारगर है, जितना रगड़ोगे उतना ही चमकेगा, चाहे गेम में चाहे पढ़ाई में, रगड़ो उसको, ठोकरें लगने दो, पढ़ने दो, गिरने दो, उठने दो। आपने तितली की कहानी सुनी होगी, तितली को जब एक तितली से बच्चा निकलता है, उस टाइम दुखी हो रही थी तो किसी ने उसको फोड़ दिया, भाई जल्दी से निकल जाए दुखी ना हो, तो वो उड़ नहीं पाई, और फिर उस तितली ने बताया कि मेरा तो जीवन ही नाश हो गया, जीवन का ही नाश कर दिया आपने, मैं जब स्ट्रगल करती हूँ तब मेरे पंख आते हैं, अन्यथा मैं नहीं उड़ पाऊँगी, मैं पंगू हो जाऊँगी। ऐसे ही आज अपन बच्चों को पंगू कर रहे हैं कि उनको सारी सुविधाएं मांगने से पहले अनावश्यक सुविधाएं भी दे रहे हैं पेरेंट्स, अनावश्यक, जो ज़रूरी नहीं है उसको, आप उनको ठीक से खिलाओ। और खिलाने वाला भी एक पूरा वीडियो है, वो एक है टॉपिक, आज मेरे बच्चे गिर रहे हैं प्रेयर में, अरे मेरे बच्चे कैसे गिरेंगे, अब 13 साल का 12 साल का बच्चा क्यों गिरेगा, मगर वो पेरेंट्स की वजह से गिर रहे हैं। बच्चे क्यों चक्कर खा रहे हैं, क्यों वो एक पैकेट वाली चीज़ें खिला रहे हैं, घर में एक सिस्टम होना चाहिए, पानी तांबे के बर्तन में, चीनी को घर में नहीं घुसने देता है, खांड शक्कर खाओ, गुड़ खाओ, और ये सारी चीज़ें अपने जो इसका प्रोसेस है बढ़ने का, इसके पीछे रीजन है, जो प्रोसेस है वो बड़ा ख़तरनाक है, उस वजह से हम पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, नमकीन बिस्कुट कुरकुरे खा रहे हैं, पैकेट में जो चीज़ स्टोर हो गया आएगी उसमें केमिकल होंगे, केमिकल होंगे तो वो बच्चे के अंदर शरीर के अंदर वो जहर बनेगा, टॉक्सिन्स बनेंगे, और टॉक्सिन्स बनेगा तो वो धीरे धीरे अंगों को प्रभावित करेगा, हमारे सारे सिस्टम को प्रभावित करेगा, और उससे फिर बच्चा बीमार होता है। आप दही लस्सी खिचड़ी राबड़ी ये बेसिक चीज़ें हैं, ये खाओ, आपके अगर कुछ हो जाए तो मेरे को बता देना। मेरे बच्चे तो इतने दिन हो गए, हम तो कभी आज तक किसी को नमकीन बिस्कुट कुरकुरे खिलाए नहीं, और नहीं खिलाते हैं, नहीं हमें अच्छे लगते हैं, नहीं हम बच्चों को खिलाते हैं। तो ऐसे ही सारे पेरेंट्स को, अगर जो ऐसा करता है उसके बच्चे नहीं गिरेंगे। तो हमारे खान पान पे ध्यान दो, और मोबाइल कई पेरेंट्स ऐसे देखे हैं सारे दिन लगे रहते हैं, और वो बोलते हैं कि बच्चा मोबाइल लेता है, अरे बच्चा तो मोबाइल लेगा, आप तो सारे दिन एक मिनट भी नहीं छोड़ते। कई एक पेरेंट्स से मैंने बात करी कि भाई मैं तो थोड़ी सी देर चलाता हूँ, अरे तेरे को टाइम इतना लगता है मेरा भाई, ऑफिस से आने के बाद में तू 4 घंटे देखता है, 4 घंटे तेरे को टाइम लगता है, इसको टाइम पूरे दिन है, ये पूरे दिन देखेगा, आप नहीं देखोगे ये भी नहीं देखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे तस्वीर बनाओगे, आपके सबसे बड़ा रोल मॉडल उसके माँ बाप होते हैं बच्चे के, वो जैसा करेंगे बच्चा वैसा करेगा। दूसरे नंबर पर रोल मॉडल में नंबर आता है हमारा, जो टीचर्स वैसा करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। हमें भी बहुत कुछ ज़िंदगी में छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा कि हम अगर करेंगे तो बच्चे करेंगे। बहुत कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, आर्मी में अलग सिस्टम था, यहाँ अलग सिस्टम है, तो अगर बच्चों को बदलना है तो खुद को तो बदलना पड़ेगा पहले, खुद को नहीं बदलेंगे तो बच्चे भी नहीं बदलेंगे, ये सच्चाई है। और उसके रोल मॉडल होते हैं माँ बाप, और माँ बाप जैसे करते हैं बच्चा वैसे करेगा, घर में जो देखेगा वो करेगा 100%।
आप झूठ बोल रहे हो तो बच्चा झूठ बोलेगा, आप चीटिंग कर रहे हो आप बच्चा चीटिंग करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप उनको पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव काम करो और गेम के ऊपर बच्चों को फोकस करो, ज़रूरी है, गेम बहुत ज़रूरी है। एक मैं तो किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलता कि आपको खेलना नहीं है, ना खेलना है आपको। और अब तो कोरोना पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा खेलो, 2-3 घंटे खेलो, फिर भी जो बाकी जो पीरियड बचा रहता है उसमें तो आप पढ़ सकते हो, सिर्फ पढ़ाई तो आपको 4 घंटे करनी है और वही आप नहीं करते तो फिर आपके साथ कोई भाईबंदी नहीं होनी चाहिए, फिर उस बच्चे को आप खींच के रखो। जितना खींच के रखोगे, जितना काम करवाओगे, जितना आप रगड़ा लगाओगे उतना ही ज़्यादा वो चमकेगा। हाँ, पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट इसलिए नहीं, पनिशमेंट बहुत लास्ट का हथियार है, पनिशमेंट से बच्चा भिंगू बन जाता है, बोलता नहीं है, गूंगा बन जाएगा, कभी सवाल नहीं करेगा, सवाल के बिना पढ़ाई नहीं होती है, आप सवाल पुटअप नहीं करोगे तो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वो बच्चा बोल नहीं पाएगा, आगे आएगा नहीं, प्रेयर में नहीं आएगा, मंच पे नहीं बोलेगा, तो सारे गुण उसके ख़त्म हो जाएंगे, वो डरने लगेगा, कांपने लगेगा, तो उसका आत्मविश्वास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए और उनके ऊपर बच्चे को काम करना। हाँ, बच्चे को आप रूटीन बना दो ना डेली, वो अपने आप ही उस टाइम अपने आप ही किताब लेके बैठने लग जाएगा। एक बार टाइम टेबल बना दो बस, और टाइम टेबल जिसने बना दिया, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये तो कोरोना पीरियड आ गया, लॉकडाउन आ गया, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आज आपको, आपकी मदद की मैं एक तरह से भीख मांग रहा हूँ कि आप मेरी मदद करो, मेरे बच्चे मेरे घर में जो रह करके नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और पेरेंट्स की वजह से वो ज़्यादा हो रहा है। और ऑनलाइन तो मैंने ठीक सोच करके किया था, मगर वो तो अब नहीं कर पाऊँगा, नहीं करूँ कभी आगे आने वाले टाइम पर भी, कभी ये नहीं बोलूँगा कि मोबाइल बच्चे को दो, अब तो दे दिया और वो हमारी गलती होगी, और शायद मेरे ख्याल से मेरा स्कूल नहीं, सभी स्कूलों के बच्चों के इस तरह से हो रहा होगा, बाकी मेरा तो हो रहा है। अच्छा, इसका अगली बात है कि जो कब खुलेंगे स्कूल, और ये जब तक नहीं खुलते हैं तब तक आप घर में बच्चों को देखो, पूरी कोशिश करो, टीचर्स की मदद लो, अगर कुछ चीज़ें अगर छूट जाती है तो उसको डायरी में नोट करो, पॉइंट वो आकर के हम क्लियर कराएंगे बच्चों का, बुक दो, रोज़ाना पढ़ने के लिए बोलो, चैप्टर पढ़ने के लिए बोलो, और उसको खूब खेलने दो। जब कोई बात नहीं है, 2 महीने बाद लगेगा तो 2 महीने बाद पढ़ा देंगे, 3 महीने बाद पढ़ने लगेगा 3 महीने बाद पढ़ा देंगे। रही बात फीस की, आज बड़ा मुद्दा बन रहा है ये चीज़ का कि फीस ये है वो है ऐसे वैसे, पहले तो भैया जो स्कूल को अगर कोई किसी भी स्कूल को, मेरे स्कूल को नहीं, मेरे तो पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे संबंध है और टीचर्स के साथ तो इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है और वो हम टीम मिल करके काम कर रहे हैं, कोई किंतु परंतु आज तक नहीं हुई और नहीं होगी, ये कोरोना तो हमारा क्या करेगा, जितना हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगा और नहीं हो पाया तो उनको बता दूँगा, और बता दूँगा तो वो फाइनल है, वो शायद सामने से कोई भी जवाब नहीं आएगा। और पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक मेरे को तो मेरे पास, हालांकि मैंने एडवांस कदम रखता हूँ इस वजह से थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो इस कोरोना पीरियड में मैं लोगों की मदद करता, अब करें भी, ये किसी भी पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो लाचार है आज, हालांकि मैं 2 आदमियों को लाचार मानता हूँ, जिसके माँ बाप नहीं है वो बच्चा लाचार है, तो उसकी तो मैं 1 रुपये भी नहीं लेता, एक रुपये की भी रसीद नहीं काटता, जिसके पेरेंट्स मेरे पास हैं और एक्सपायर हो गए हैं उसकी हम रसीद नहीं काटते। दूसरा लाचार वो होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते, तो उन बच्चों की मैं हाफ ही फीस लेता हूँ हमेशा से, अपने स्कूल का ये सिस्टम है। तीसरा, जो अब मौका मिला है हमें, तो ऐसे कोई पेरेंट्स कभी ऐसा हुआ तो नहीं पहले, मगर अब सोच रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स से मिलने का मौका मिला, हमें समझने का मौका मिला, आज वो बेचारे बहुत परेशानी में हैं, तो उनकी फ़ीस का हम देखेंगे। दूसरा, टीचर्स को भी जितना बन पड़ेगा उतना करने की कोशिश करेंगे, और नहीं भी करें ना तो हम मांगेंगे नहीं, पेरेंट्स से भी भीख नहीं मांगेंगे, और पहले भी नहीं मांगी है, हमने काम करके दिया है, उसके आपके बदले में आपसे सर्विस के बदले में पैसे लिए हैं, और गलत नहीं लिए किसी से भी, और गलत लिए हैं तो वो अपना बच्चा ले जा सकता है कि उसको लगता है कि हमने गलत ले लिए हैं। हम बड़े ही स्वाभिमान के साथ जिएंगे, कभी गिर करके न तो मेरे टीचर्स को मैं ऐसे बोलता, अध्यापक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो कैसे भी जी लेगा, किसी भी हालात में जी लेगा, और मैं तो फौजी हूँ, हमें तो 1 लीटर पानी और 3 दिन भूखे रह सकते हैं, तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है, पेंशन भी मिलती है। कोई कभी मैं प्रोग्राम में गया था, बोले फिर आपका क्या होगा, मैं बोले मेरा 42 साल की 43 साल की उम्र तक
मेरा आज मैं 46 साल का हो गया, 46 साल तक मैंने कमा के खाया है, तो अभी भी हम कुछ भी तो कर ही लेंगे, पैसे तो ज़मीन से निकाल लेंगे खोद करके, ऐसी क्या नौबत है। कुछ ना कुछ तो अपने पेट जो भरने, जो जितना जुगाड़ मैं नहीं कर सकता, तो भगवान हम इस ज़िंदगी में आए ही क्यों हैं, आने का हक ही नहीं है हमें, तो हम तो कर लेंगे और हम अपने स्टाफ का भी कर लेंगे। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो सक्षम है वो स्कूल की फीस जमा कराएं, ताकि जो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं उनका सोचा जा सके, और टीचर्स की सैलरी वगैरह दी जा सके, या जो अन्य खर्चे हैं वो पूरे हो सके, क्योंकि स्कूल का तो आप लोगों से ही चलेगा। हाँ ये है कि आज 1000 बच्चे हैं, तो अगर आप नहीं दोगे तो 700 सही, 700 नहीं तो 600 सही, 600 नहीं तो 300 सही, 300 को पढ़ाएंगे, और 300 के जो पैसा आएगा उनसे पेरेंट्स को, जो टीचर्स को और उनकी स्कूल के खर्चे चलाएंगे। मैंने तो कभी 300 बच्चों के बाद, 300 बच्चों से स्कूल नहीं चलता, 300 से एक अच्छा सिस्टम नहीं चलता। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो वो स्कूल का सिस्टम अच्छा चलने के लिए आपको 300 बच्चे कम से कम चाहिए, ताकि एक वेल सेटल्ड स्कूल चल सके। आज उस स्थिति में हैं हम कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो लास्ट में मेरा यही है कि कोरोना से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, स्कूल लगने के बाद हम प्रॉपर तरीके से सिस्टम से, पहली बात तो बच्चों को हम इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि बहुत नए बच्चे जो न्यू एडमिशन है मैंने नहीं लिए हैं और शायद नहीं लूँगा, तो जो बच्चे अपने हैं फिलहाल इन बच्चों के साथ ही ये साल सेशन का एंड करेंगे, और ठीक से चलाने की मौका मिला तो ठीक से चला करके दिखाएंगे, कोई भी बच्चा इन्फेक्टेड नहीं होने देंगे। दूसरा ये कि अभी आपके हाथ में, आप थोड़ी हमारी मदद करो, ताकि बच्चे घर पे रह करके कुछ नॉलेज ले सकें, कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें, और खेल में उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करने दो, साथ में जाओ, पढ़ाई करो जितना हो सकता है उतना, बाकी आने के स्कूल में आने के बाद में हम सब कुछ करवा लेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे से अपना जो ज़िंदगी है वो गुजर करें, बसर करें। जय हिंद, जय भारत।